गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने सेकंड मैकेनिज्म को, जिस चीज को अपन सिंपली क्या कह सकते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मेथड। जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था ए बायोलॉजिकल मेथड, उसी टाइप में आज हम लोग बेसिकली वॉच करेंगे किसके बारे में, दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मेथड, जिस चीज को अपन कॉमनली क्या कह सकते हैं, डाइजोट्रॉफी भी कंसिडर्ड करते हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ओनली सम स्पीसीज ऑफ प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी ऐसी होती है कि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्या कर सके, और वो प्रोकैरियोटिक स्पीसीज और उस बैक्टीरिया का नाम और बैक्टीरिया को अपन क्या कहते हैं, डाइजोट्रॉप्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स जरा इस जगह पर देखना, इस एंटायर इवेंट में क्या होता है कि नाइट्रोजन रिड्यूस होता है, वो भी किसमें, अमोनिया में रिड्यूस होता है बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। जैसा कि आप जानते हो एन ट्रिपल बॉन्ड होता है नेक्स्ट एंड के साथ, और यही डिसोसिएट होकर के रिड्यूस होकर के क्या बनता है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है। स्टूडेंट्स अब देख लेना कि जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन दो मेथड से होते हैं, पहला एक बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और दूसरा बाय द हेल्प ऑफ सेकेंड, जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, जिसका कॉमनली नेम क्या कहते हैं, बाय साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। अब जरा बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया जाए कि बैक्टीरिया करता क्या है, जरा देखा जाए यहां पर तो बैक्टीरिया मोस्टली तीन ग्रुप के होते हैं, और ये फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट करके रखिएगा, और जो जो टर्म पे मैं स्टार बताऊंगा वो टर्म आपको याद रखना है, क्योंकि अपकमिंग एग्जामिनेशंस में वो पूछे जाने के श्योर शॉट चांसेस बनते हैं। सो स्टूडेंट पहला क्या आता है, दैट इज फर्स्ट वन, कि बैक्टीरिया जो कि फ्री लिविंग है, दैट इज फ्री लिविंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है एजेटोबैक्टर, विजरनिकिया, नेक्स्ट रोडो स्पाइरिलम, नेक्स्ट बैसिलस क्लॉस्ट्रीडियम और रोडो स्यूडो मोनास एटीसी, ये सब जो है ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। जबकि अब सेकेंड आता है किसमें, बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब कि दो लाइफ आपस में एसोसिएट होकर के फॉर्म करते हैं, जैसे राइजोबियम बेसिकली किसमें ऑब्जर्व होता है, तो प्लांट्स में अल्फा अल्फा, स्वीट क्लॉवर, स्वीट पी, ब्रॉड बीन, क्लॉवर बीन, ETCs में राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। नेक्स्ट फ्रेंकिया बेसिकली एलनस और किसमें, एलनस कॉसोरिना में। नेक्स्ट याद रखिएगा कि ये जो कॉसोरिना पहला जो नॉन सिम्बायोटिक है, लेकिन तो पर भी कंसिडर्ड अपन क्या कर सकते हैं, सिम्बायोटिक में, ये ए सिम्बायोटिक है कॉसोरिना। नेक्स्ट देख लेना, दैट इज एजोराइजोबियम बेसिकली क्या करता है, स्टेम नोड्यूल्स ऑफ सेसबेनिया रोस्ट्रेटा में फॉर्म करता है, यानी ये स्टेम नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, बाकी रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। याद रखिएगा ये जो कॉसरीना, मैं शायद बोल करके निकल गया कि ये सिम्बायोटिक में कंसिडर्ड होता है, ये साथ साथ बेसिकली ए सिम्बायोटिक के तौर पर भी कंसिडर्ड किया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट में सिम्बायोटिक ऑब्जर्व होता है और कुछ पार्ट में एसिम्बायोटिक ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट आता है दैट इज ब्रेडीराइजोबियम सिनोराइजोबियम। ब्रेडीराइजोबियम और सिनोराइजोबियम ये बेसिकली क्या करता है, रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, वो भी किसमें, सोयाबीन प्लांट में। नेक्स्ट स्टूडेंट अब जो सेकेंड टर्म आता है, जिस चीज को अपन सिंपली क्या कह सकते हैं, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इस साइनोबैक्टीरिया के पास एक स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उस सेल्स का नाम क्या कहलाता है, हेटरोसिस्ट कहलाते हैं। याद रखिएगा और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा हेटरोसिस्ट के बारे में। अब साइनोबैक्टीरिया दो तरीके से बेसिकली क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, पहला है फ्री लिविंग नाइट्रोजन के फॉर्म पे और दूसरा है सिम्बायोटिक के फॉर्म पे। फ्री लिविंग नाइट्रोजन के फॉर्म पे फिक्स नाइट्रोजन विदाउट द हेल्प ऑफ होस्ट, यानी नाइट्रोजन फिक्स तो करेगा लेकिन उसमें होस्ट की मदद नहीं करेगा, यानी होस्ट से न तो हेल्प लेगा न तो हेल्प देगा। एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, ऑलोसीरिया, सिलेंड्रो स्पर्म, जिसमें कि ऑसिलेटोरिया, ऑलोसीरिया
ये बेसिकली एक्टिवेट क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सर, वो भी किस में, सुगर केन और मेज फील्ड में। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा, दैट इज ऑसिलेटोरिया और ऑलोसीरा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सुगर केन और मेज फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट कंसिडर होता है। अब सेम चीज ब्लू ग्रीन एल्गी का अपन सेकंड पार्ट में चलते, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन को जरा गौर से समझिएगा कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसका एग्जांपल क्या है, पहला तो एनाबिना एंथोसेरोटे, ये एसोसिएट करता है किसके साथ, थैलस ऑफ एंथेरोसेरस। एंथेरोसेरस आपको पता होना चाहिए कि ये एक लोअर प्लांट है जिसका नाम अपन क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा कहते हैं। नेक्स्ट एनाबिना अजोले, ये बेसिकली किसके साथ, तो फॉन्ट्स, आप जानते हो टाइडोफाइट्स में बेसिकली अपन फॉन्ट्स जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कंपाउंड लीव्स होता है किसका, अजोला पिनेटा का। नेक्स्ट दैट इज एनाबिना साइकेडे, एनाबिना साइकेडे बेसिकली क्या है, ये कोरलॉइड रूट्स है, कोरलॉइड रूट्स, वो भी किसका, तो सियाकस का। नेक्स्ट नॉस्टॉक स्पीसीज, नॉस्टॉक स्पीसीज बेसिकली किसमें किसमें फिक्सेशन करने में हेल्प करेगा, दैट इज यूनेरा एंजियोस्पर्म। यूनेरा एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा वो स्टेम में होगा, जबकि सेकंड है ट्राइफोलियम, ये भी एक एंजियोस्पर्म है लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन और सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो दिखेगा वो किस जगह पे दिखेगा, तो आपके रूट्स पे दिखेगा। ये जो बायोलॉजिकल मेथड है, ये सारे एंटायर बायोलॉजिकल मेथड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें कि बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और ताकि आप अच्छे तरीके से इसे रीड कर सको और इसी का पीडीएफ बना करके आप रिवाइज कंटिन्यूअस कर सको। फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बाय बैक्टीरिया, बाय साइनोबैक्टीरिया। बाय बैक्टीरिया में फ्री लिविंग जो होता है उसका एग्जाम्पल है एजेटोबैक्टर, वीजरनीकिया, रोडोस्पाइरिलम, बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम, रोडोसिडोमोनास, जबकि सिम्बायोटिक में राइजोबियम, फ्रैंकिया, एजोराइजोबियम, ब्रेडिराइजोबियम, सिनोराइजोबियम। नेक्स्ट लूज सिम्बायोटिक में नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं होगा, एग्जाम्पल है एजोस्पाइरिलम विथ रूट मेज। याद रखिएगा जिसका नाम जैसा है, जैसे राइजोबियम रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, एजोस्पाइरिलम स्पाइरल से बैक्टीरिया होता है, सेम बाय साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे हेटरोसिस्ट कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में दो तरीके से मदद करते हैं, एक फ्री लिविंग फॉर्म पे जो विदाउट द हेल्प ऑफ होस्ट के साथ कर सकता है, एग्जांपल नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, ऑलोसीरा, सिलेंड्रोस्पर्मम। नेक्स्ट सिम्बायोटिक में एनाबिना एंथेरोसेरोटे, एनाबिना अजोले, एनाबिना साइकेडे और नॉस्टॉक स्पीसीज, ये सारे क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि प्रपोज किया गया था किसे, ब्यूरेस से, यानी ब्यूरेस ने इसे पुट फॉरवर्डेड किया। इवन अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये बहुत ही एसेंशियल और इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, दैट इज रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, और इवनली इसे क्या कह सकते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन उस समय फॉर्म करता है कब, ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरियल सिम्बायोसिस, मतलब कि बैक्टीरिया जब दो लिविंग के साथ एसोसिएट होगा, सिम्बायोसिस करेगा, तब जाकर के क्या करेगा, ये नोड्यूल का फॉर्मेशन करेगा। इस नोड्यूल फॉर्मेशन करने के लिए बेसिकली हमें बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेना था, सो हम लोग बेसिकली यहां पर राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम और एग्जाम्पल लिए हैं, और दूसरा तो सेकंड क्या चीज है, दैट इज द प्लांट, और प्लांट में वो भी कौन, दैट इज द रूट। अब इसके टोटल चार स्टेप्स हैं, चार स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जरा देखो क्या, अब क्या रहा कि ये रूट हेयर सेल्स है, अब रूट हेयर सेल्स के आसपास क्या ये सब सॉइल पार्टिकल है, क्या चीज है, ये सॉइल पार्टिकल है, ये क्या है, रूट सेल्स है। और अब इसके बीच में बेसिकली बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ब्लू से जो मेंशन कर रहा हूं ये क्या चीज है,
ये आपका बैक्टीरिया। अब जरा देखो कि अब रूट कभी भी, पहला तो कि जब इसे बैक्टीरिया को इस रूट सेल्स के अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन करना हो तो वो कैसे करेगा, तो पहले देखो ये एक कीमोटैक्टिक मूवमेंट है और कीमोटैक्टिक अट्रैक्शंस कह सकते हो उसे, मतलब केमिकल इंट्रैक्ट करता। जब तक ये रूट सेल्स कोई केमिकल रिलीज नहीं करेगा तब तक वहां पर बैक्टीरिया आकर के बैठेगा नहीं। याद रखेगा पहला कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन होता है फर्स्ट स्टेज, यानी राइजोबियम कॉन्टैक्ट किसके साथ करता है, रूट के साथ। कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन होता है जिसमें रूट से जिसमें कि बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं जिसमें रीकैडेसिन प्रोटीन का सिक्रीशन होता है बाय बैक्टीरियल सेल्स ताकि वो होस्ट सेल से आइडेंटिफाई कर सके, यानी होस्ट प्लांट को क्या कर सके, आइडेंटिफाई करे इस टाइप के प्रोटीन के साथ। लेकिन क्या ये रूट उस समय क्या कर रहा होगा, रूट भी बेसिकली एक केमिकल सिक्रीट कर रहा होगा। वो केमिकल जो होगा बेसिकली सिक्रीट होगा एपिडर्मल सेल से, कौन कौन, आइदर अमीनो एसिड हो सकता है, आइदर सुगर हो सकता है, आइदर ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, आइदर फ्लेवोनॉइड्स हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। अब जब ये केमिकल इंट्रैक्शन रहा, यानी अब कोई भी अमीनो एसिड रूट हेयर सेल्स एपिडर्मल सेल सिक्रीट करेगा, सारे बैक्टीरिया उसी जगह पर जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ भाई, यहां से अब हमें गेट मिलने वाला है, अब अपन इधर से क्या होंगे, एंटर होंगे, सेम उस टाइप में। अब सेकेंड स्टेज ये रहता है कि बैक्टीरिया अब ये रूट के जो एपिडर्मल सेल्स है अब उसे इन्वेड करेगा। इन्वेड का मतलब होता है कि छेद करेगा और एंटर होना शुरू करेगा, यानी इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन क्या करेगा, बनाना शुरू करेगा। और फर्स्ट इवेंट पे तो इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन करने के बाद क्या करेगा कि ये जो रूट हेयर्स है, अब ये रूट हेयर क्या हो जाएगा।